वर्ण वर्ग नस्ल धर्म रंग का ये भेद मिटना चाहिए, भेद मिटना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष उसको हक उसका मिलना चाहिए, हक उसका मिलना चाहिए। मानव को मानव से जोड़े, मानव को मानव से जोड़े तनिक प्रयास ऐसे चाहिए। गरिमा अवसर सुरक्षा का समराग गुंजना चाहिए, समराग गुंजना चाहिए। आजादी की इस बयार का संभाग सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं सरिता चौधरी आप सभी का पुनः हमारी क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वह है समानता, इक्वलिटी। समानता समाज में असमानता के फलस्वरूप यह शब्द हम सबको दृष्टिगोचर हुआ। समानता समाज में आदिकाल से नहीं, यह एक आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग में यह विचार आया, वरना तो राजनीतिक विचारक जो राजनीति विज्ञान के जनक थे उन्होंने असमानता को प्राकृतिक माना है। और आधुनिक विचारकों में भी सबसे पहले यह विचार रूसो के विचारों की केंद्रीय संकल्पना बना। रूसो ने सबसे पहले यह स्वीकार किया कि राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में व्यक्ति जब अपना विकास कर सकता है, जब वह सबके साथ समान रूप से खड़ा हो, अर्थात उसे सबके समान अवसर की प्राप्ति हो। समानता ऐसी विचारधारा है जो समाज में विशेषाधिकारों के अंत की बात करती है, यानी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। समानता क्या कहती है, समानता अपने अर्थ में कौन कौन से तत्व समाहित लिए हुए हैं, आइए अब हम पढ़ते हैं समानता के बारे में। समानता की आवश्यकता असमानता के विरोध में हुई और समानता असमानता का विलोम है। अब समानता तथ्यात्मक रूप से प्राप्त नहीं हो सकती, यह सभी जानते हैं। तार्किक रूप से यथार्थ रूप से सर्व समानता प्राप्त हो ही नहीं सकती, यह सर्वविदित है। इसीलिए समानता जो संकल्पना है वह चाहिए पर आधारित है। ऐसा होना चाहिए, सब लोगों को समान हक प्राप्त होने चाहिए, सब लोगों को अवसर की समानता प्राप्त होने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन प्राप्त होना चाहिए। यह सत्य है कि प्रकृति से भी व्यक्ति समान रूप से उपलब्ध, समान रूप से उत्पन्न नहीं होता है। प्रकृति भी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से असमान उत्पन्न करती है। रंग रूप आकार प्रकार अनेक प्रकार से अंतरों के साथ में उत्पन्न करती है। लेकिन फिर भी जब व्यक्ति समाज में आता है तब जो कृत्रिम असमानता होती है, यानी समाज द्वारा आरोपित असमानता होती है, वह समानता अतार्किक समानता होती है। और इस अतार्किक समानता की समाप्ति की ही वकालत समानता संकल्पना करती है। समानता संकल्पना कहती है कि ये समाज द्वारा कृत्रिम असमानता है, वह व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण गढ़ लेता है, तैयार कर लेता है। और जिन व्यक्तियों का राज्य और समाज में प्रभुत्व होता है, वे व्यक्ति इस अतार्किक समानता के द्वारा निर्धन, निर्बल और कमजोर वर्ग का शोषण करते हैं। अब चाहे वह किसी भी आधार पर हो, चाहे वह आधार धर्म के आधार पर हो, चाहे वह जाति के आधार पर हो, चाहे वर्ग के आधार पर हो, चाहे वर्ण के आधार पर हो, चाहे नस्ल के आधार पर हो, चाहे संप्रदाय के आधार पर हो, और चाहे अन्य कोई स्त्री या पुरुष लिंग के आधार पर हो। इस प्रकार से अनेक प्रकार के असमानता के आधार हैं। इन आधारों के आधार पर व्यक्ति के साथ शोषणपूर्ण व्यवहार किया जाता है। अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा पत्र 1776 में कहा गया है कि हम सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं, कि सत्य को समानता के सत्य को इस शब्द को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्य को समान उत्पन्न किया है, प्रत्येक व्यक्ति समान उत्पन्न हुआ है, लेकिन समाज में कृत्रिम असमानता उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह लास्के ने कहा है कि समानता का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि ऐसा किया जाएगा तो एक गणितज्ञ और एक मजदूर को दिए जाने वाले वेतन में समानता होगी, और इस प्रकार से यदि होगा तो समाज का उद्देश्य और समाज का विकास का जो उद्देश्य है वही समाप्त हो जाएगा।
कि व्यक्ति में कार्य भिन्नता के आधार पर वेतन की असमानता होना स्वाभाविक ही है और व्यक्ति के कार्य के अनुसार उसके साथ असमानता होना भी स्वाभाविक है, लेकिन असमानता के आधार पर व्यक्ति के साथ शोषण किया जाना और उसे अवसर की सुलभता उपलब्ध नहीं करवाना एक अन्यायपूर्ण असमानता है और वह इस अतार्किक असमानता को समाप्त करने की यह समानता संकल्पना बात करता है। तो इस तरह से समानता उस परिस्थिति का नाम है जिसके कारण सभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और उनको व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसरों की उपलब्धता हो सके और सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न होने वाली असमानताएं समाप्त की जा सके। जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर जो असमान पूर्ण व्यवहार किया जाता है वह पूरी तरीके से समाप्त हो। समाज में सभी व्यक्ति समान नहीं होते, यह स्वयं सिद्ध है। मनुष्यों में शारीरिक, मानसिक अनेक प्रकार की असमानताएं होती हैं, लेकिन ये असमानताएं प्राकृतिक है, पर व्यक्ति को यदि एक समान रेखा पर खड़ा करके विकास के लिए दौड़ने के लिए कहा जाता है, यानी अवसरों की समान उपलब्धता करवाई जाती है, तो वह समानता कहलाती है। समानता का इस प्रकार से अर्थ देखने के पश्चात कुछ बिंदु हमारे सामने निकल कर आते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर समानता के कुछ आधारभूत तत्व निकल कर हमारे सामने आते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। पहला है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए वह समानता है। समान लोगों के साथ में समान व्यवहार किया जाए यह समानता का पहला आधारभूत तत्व है और यदि ऐसा होता है तो वह समानता है। दूसरा है, सभी को अवसर की समान उपलब्धता, यानी अवसर की समानता। अवसर की समानता, राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए, अपने जीविकोपार्जन करने के लिए, अपने चहुंमुखी विकास के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अवसर समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य या समाज के द्वारा सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, यानी नागरिकों के साथ में उनके किसी भी आधार के आधार पर, उनके सामाजिक आधार पर या उनके राजनीतिक आधार पर किसी प्रकार का राज्य और समाज के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, और इसी प्रकार से राज्य के द्वारा मानवीय गरिमा और उसके अधिकारों का समान संरक्षण किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा राज्य के द्वारा की जानी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन निर्वहन हो सके इसकी गारंटी भी राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए। इस प्रकार से राज्य के द्वारा व्यवहार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने गरिमापूर्ण जीवन का निर्वहन कर सके। नेक्स्ट है, समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी किसी सामाजिक आधार कौन कौन से होते हैं, व्यक्ति की जाति, उसका धर्म, उसकी नस्ल या संप्रदाय या उसके स्त्री पुरुष होने के आधार पर, धातु लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, निवास स्थान और संपत्ति के आधार पर आदि के आधार पर, इन सामाजिक आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति का समाज में समान महत्व होना चाहिए, ये है समानता के आधारभूत तत्व। अब इन्हें एक बार वापस देखते हैं, सभी लोगों के साथ में समान व्यवहार किया जाना चाहिए, सभी को अवसर की समान उपलब्धता होनी चाहिए और इसकी उपलब्धता कौन करवाएगा, राज्य या समाज, उनके द्वारा सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए और इनके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार सभी के प्रति समान होना चाहिए। इसके साथ ही मानवीय गरिमा और मानव के अधिकारों का भी राज्य के द्वारा समान संरक्षण होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी सामाजिक आधार पर, यानी जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए या अन्य किसी भी
संपत्ति या निवास स्थान या उसकी राष्ट्रीयता के आधार पर भी किसी प्रकार का किसी का साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का समाज में समान महत्व होना चाहिए, चाहे वह एक लारी चलाने वाला हो, चाहे एक पतासी बेचने वाला हो, सड़क पर काम करने वाला श्रमिक हो, साफ सफाई कर्मी हो, सभी व्यक्तियों का समाज के विकास में योगदान होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसके महत्व को सम्मान देना चाहिए। तो ये है समानता के आधारभूत तत्व। समानता का अर्थ और परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी। जब भी समानता से संबंधित प्रश्न आता है तो आप लोगों को परिभाषा के साथ में ये आधारभूत तत्व बताने हैं। जब बड़ा प्रश्न आता है, निबंधात्मक प्रश्न आता है, 6 नंबर का प्रश्न आता है या 4 नंबर का प्रश्न आता है, तो इनको आपको समराइज करके शॉर्ट में लिख देना है। और अगर यदि निबंधात्मक प्रश्न आता है तो आपको इनको डिटेल में लिखना है समानता का अर्थ बताते हुए। इस प्रकार से समानता क्या है? समानता अतार्किक विभेद की समाप्ति ही है, चाहे सामाजिक आधार पर हो, चाहे वह संपत्ति के आधार पर हो, चाहे वह राष्ट्रीयता के आधार पर हो, यानी कृत्रिम असमानता की समाप्ति ही है। इस प्रकार से आशय यह हुआ कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना ही समानता है। और यदि समकालीन परिदृश्य में देखें, वर्तमान समय में देखें, तो समानता को हम साधारणतः समझ सकते हैं अवसरों की समानता। बच्चों, अनेक बार अवसर की समानता पर अलग से प्रश्न बन जाता है, शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, टिप्पणी पूछ ली जाती है। इसलिए जब हम समानता के प्रकार पढ़ेंगे तब अवसर की समानता को अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर सार रूप में आप ऐसा कह सकते हैं प्रश्न लिखते समय कि समकालीन युग में समानता का जब सटीक अर्थ निकाला जाता है तो वो है अवसर की समानता। और यदि शाब्दिक रूप से हम समानता को परिभाषित करते हैं तो कहेंगे समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना ही समानता है। मेरी कोशिश है कि आप सभी को एज ए क्लासरूम एटमोस्फेयर में मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाऊं और उसी एटमोस्फेयर में स्टडी करवाऊं, इसी का प्रयास मैं कर रही हूं। बच्चों, मैंने यूनिट फर्स्ट सेक्शन ए की फर्स्ट यूनिट है उसके 3 चैप्टर पहले से मैं आपको वीडियोस में दे चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस की लिंक दूंगी, आप वहां से वीडियोस देख लें। और ये 4 चैप्टर है और इसके बाद में मैं आपके सेक्शन बी का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करूंगी, ताकि आप लोगों की जो फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट टेस्ट हो उसका मटेरियल आप लोगों को घर पे मिल जाए। ऑनलाइन स्टडी के मेथड से आप लोगों को बिना किसी टेंशन से या कोरोना के बिना किसी भय से आप लोगों की स्टडी कंटिन्यू चलती रहे और आप घर बैठे बिना किसी टाइम वेस्टिंग के लगातार स्टडी करते रहे, ऐसे मेरा प्रयास है। इसी के ध्यान में रखते हुए मैं कंटिन्यूस वीडियोस आप लोगों के सामने स्टडी मटेरियल से रिलेटेड दिए जा रही हूँ। आप लोग उसको लगातार देखते रहें और उसका बेनिफिट प्रॉपर लीजिए। अगर आप लोग मैं वीडियोस सेंड करूंगी और आप उसको नहीं देखते हैं, वीडियोस को नहीं देखते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप उस मेरे वीडियोस को लगातार पूरा देखिए, उससे नोट्स रेडी कीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मैं अलग से एक वीडियो सेंड करूंगी, उसमें आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को टिक मार्क करके उनकी स्टडी साथ साथ करते रहिए। अभी मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि आप लोग पूरा स्टडी कंटेंट रेडी करें और आप लोगों का जो स्टडी बेस है वो स्ट्रांग हो और साथ में साथ आप पॉलिटिकल साइंस को इजीली समझते हुए चले। अगले वीडियो के साथ में मैं जल्द ही मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।